जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 26वां वचन। वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। शैतान को अवसर ना दो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजकर दोस्तों हमें यह बताया कि परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने बलिदान दिया और हम अपना लहू बहाया ताकि हम पूरी तरीके से उसके पापों से शुद्ध हो जाएं। उसके लहू ने हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया है, हमें आज़ाद किया है उस पाप से, वो पाप जो हमें दास बनाता था, वो पाप जैसे रोमन का 7:15 कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो नहीं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मुझे करने वाला कौन है? कौन है जो मुझे आज्ञा देता है? कौन है मेरे अंदर में जिसका दास हूँ? वो पाप। और उसी पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। इसलिए यीशु कहता है, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। मेरे भाई, इसीलिए मती 5:39 कहता है यीशु मसीह कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने हाथ दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, तो तुम अपना बायां गाल भी फेर दो। कैसा भी अपमान, कैसा भी सताव तुम्हारे जीवन में आए, तुम सहन कर लो लेकिन क्रोध मत करो। अगर हम क्रोध करेंगे तो हम पाप को जन्म देंगे, घमंड को जन्म देंगे, स्वार्थ को जन्म देंगे, नफरत को जन्म देंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे मन को भेद देंगी, ये सारी चीज़ें हमारे मन को अशुद्ध कर देंगी और हमारे मन से प्रेम निकल जाएगा। वो प्रेम जो परमेश्वर है, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है। और इसीलिए हेजिकल 36:26 कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, वो मन तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा जो अशुद्ध है, नया मन दूंगा जिसमें प्रेम होगा, जिसमें पवित्रता होगी, जिसमें धार्मिकता होगी, वो प्रेम मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे आत्मा को धर्मी बनाया है, लेकिन दोस्तों हमारा शरीर और हमारा प्राण अभी तक धर्मी नहीं है। इसलिए शरीर का एक अभिव्यक्ति है, शरीर की अभिव्यक्ति हम क्रोध के द्वारा करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति क्रोध के द्वारा होती है। और कई बार दोस्तों हम क्रोध को अपना अधिकार समझते हैं, हम अधिकार समझते हैं कि मेरी पत्नी है तो मैं क्रोध कर सकता हूँ, ये मेरा बच्चा है तो मैं क्रोध कर सकता हूँ, ये मेरा नौकर है तो मैं क्रोध कर सकता हूँ। दोस्तों हम क्रोध कर सकते हैं लेकिन हमारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। अगर हमारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना रहेगा तो वो क्रोध पाप में बदल जाएगा, वो क्रोध पाप में बदल जाएगा, और शैतान उस पाप का यूज करेगा, पाप को हथियार बनाकर, उस क्रोध को हथियार बनाकर हमारे मन को अशुद्ध कर देगा, जिसमें परमेश्वर का प्रेम है, जिस मन में परमेश्वर बसा है, जो परमेश्वर का है। हालेलुया। तो दोस्तों हम निर्णय लें और अहद करें कि हम क्रोध तो करें लेकिन पाप ना करें। हालेलुया। दोस्तों याद करिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया। हालेलुया। वो लोग जिनको परमेश्वर ने, जिनको यीशु मसीह ने रोटियां खिलाई थी, आशीषित स्वर्गीय मन्ना खिलाया था, जिनको लोगों ने जिनको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, आंखें दी थी, कान दिए थे, कोड़ों से शुद्ध किया था, वही लोग यीशु मसीह को खड़े होकर कह रहे थे पिलातुस के सामने कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उन्हीं लोगों ने थप्पड़ मारे, थूका और उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। शैतान उकसा रहा था यीशु मसीह को ताकि यीशु मसीह क्रोध करे और परमेश्वर की योजना असंभव तरीके से, परमेश्वर की योजना इस जमीन पर, इस संसार में कामयाब ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और जाते जाते क्या कहा कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम उसी यीशु की संतान हैं, हम उसी यीशु के दास हैं, हम में वही यीशु बसता है। इसलिए दोस्तों आइए हम अहद करें, हम वाचा बांधें कि हम क्रोध नहीं करें, और क्रोध करें तो सूर्य अस्त तक, चाहे हमें कितना अपमान सहना पड़े, चाहे हमारा अहम, चाहे हमारा घमंड, चाहे हमारे अंदर का अहम कितना भी हताहत क्यों ना हो, लेकिन हम माफ़ी मांगें, हम क्षमा करें और हम पूरी तरीके से पवित्र रहने की कोशिश करें, पूरी तरीके से हम पवित्र रहें ताकि हम परमेश्वर के योग्य बन सके, ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। इसलिए मती 5:8 कहता है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, और परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा मन पूरी तरीके से शुद्धता के साथ हमारे अंदर वास करे और वो
हम में बास करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति का सुख हमारे साथ हमेशा बना रहे परमेश्वर, तेरी शक्ति हमारे साथ है परमेश्वर, तेरा आशीष हमारे साथ है, तेरे वचन हमारे साथ है। इसलिए हम परमेश्वर हम वादा करते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, ना ही हम क्रोध करेंगे, और वो भी क्रोध अगर हमसे होगा तो सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाएगा। हम क्षमा मांगेंगे, हम क्षमा करेंगे, हम त्याग करेंगे, हम प्यार करेंगे, ताकि हमारे अंदर तू बसा रहे, हमारे अंदर वो प्यार वो प्रेम जो परमेश्वर है वो हमेशा बसा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।